is a journey into sound. आपको पता है मुझे कहानियां सुनना सुनाना बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं भी पता तो भी कोई मसला नहीं है, आप जान जाएंगे। हाँ भैया, ये कहानी आज की है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हमें अब जल्दी जागना पड़ेगा और हम जागे, बिल्कुल जागे। लेकिन हम एक गलती करके फजर के बाद मुझे थोड़ा सर्दी लग रही थी, उसके बाद क्या हुआ कि मुझे नींद पड़ गई थी और जब मैं उठा तो उस वक्त 12 बज गए थे। तो भैया ये कहानी है हमारे फिलिंग स्टेशन की। आज दिन के करीब 12 बजे हमें कहीं निकलना था लेकिन कार में फ्यूल ज़रा कम था। हम गए हमारे फिलिंग स्टेशन पे और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो भैया हमारा पहला स्टेशन बंद था। मतलब वाह, पिछले वाले पेट्रोल पंप पे तेल नहीं था, हम अब दूसरे में जा रहे हैं। हम निकले दूसरे के लिए, दूसरा भी बंद था। मतलब वाव, अब हम निकले हमारे टाउन की तरफ। और हमने क्या देखा कि भैया यहाँ पे भी जो स्टेशन है ये भी बंद है। और दूसरी तरफ हमारे टाउन का जो मेन चौक है वो हमेशा क्राउडेड रहता है, लेकिन आज उसके कुछ ऐसे हाल थे। बस थोड़े थोड़े लोग और कुछ गाड़ियों का आना जाना तो लगा था लेकिन फील नहीं आ रही थी। मतलब कुछ मजा नहीं आ रहा था। तो खैर, अभी हम निकले अगले स्टेशन की तरफ और वहां पे जो हमने देखा, जी हाँ, ये भी बंद था। मतलब हमारे दिल के तार जो हैं वो टूट फूट रहे थे और हम बहुत गंदा फील कर रहे थे। इस सब के बाद हम यहाँ से निकले और आगे थोड़ी ही दूर हमारा एक लास्ट स्टेशन था। अगर ये भी बंद होता तो भैया हमें घर जाना था। और अब दिल थाम लिया हमने, बिल्कुल ऐसे हाथों में जो है पकड़ लिया और हम क्लोज होते जा रहे थे हमारे आने वाले स्टेशन की तरफ। और अब जब हमने देखा कि ये खुला हुआ है तो भैया दिल को करार। और अभी हम यहां से निकले वहां की ओर जहाँ हमें जाना था। हेलो जी, हम घर पहुंच चुके हैं। अभी हमें यहाँ से मौदूरा के लिए निकलना है। हम इस रास्ते से ज्यादा नहीं गए लेकिन आज टाइम बचाने के लिए हम इस रास्ते से चले गए। और जो ये रास्ता है इसके भी अपने अलग गेम्स हैं। लेकिन एक गड़बड़ फिर से हो गई। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, रास्ता थोड़ा ख़राब था जिस वजह से हमें थोड़ा धीरे से आना पड़ा। मतलब ये रास्ता, ये रोड इतना ख़राब है, इतना वाहियात, इतना अजीब सा है कि हम इसके बारे में जितना ज़्यादा जिक्र करें उतना ज़्यादा कम, ज़्यादा मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं है, मैं संभाल लेता हूँ। लेकिन हमारे साथ इस वक्त ना हमारी फैमिली वगैरह थी एंड माय मॉम वाज लाइक, अरे आराम से चलो, कोई मसला नहीं है, धीरे धीरे, थोड़ा स्लो। इस खतरनाक रोड से गुजरने के बाद हम अपनी मंजिल, हमारी डेस्टिनेशन तक पहुँच गए। और जब हम वहाँ पहुँचे, अभी हमने डिसाइड किया है कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो अब हम दूसरे रास्ते से निकलेंगे। अभी के लिए हम अंदर जाते हैं। वहाँ पे भी एक मसला हो गया। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम यहाँ से जल्दी निकलते हैं तो मैं एक अच्छा सा वीडियो शूट करके आप तक पहुँचा दूंगा, बट सीन्स कुछ ऐसे हुए कि हम वहाँ हो गए थोड़े लेट, एज बहुत लेट हो चुका है, 6 बजने वाले। उसके बाद हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए एंड हम अभी यहाँ हैं आपको ये कहानी सुना रहे। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी और हमारा आज का छोटा सा, मतलब आज का दिन। अभी हम काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, हमें अभी आपसे काफ़ी सारी चीज़ें बतानी हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, वहाँ पे आपका इंतज़ार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय।